कैसे वो अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा हमने पहले कहा कि CFA सोसाइटी और हमारे जो दूसरे संस्थान जुड़े हुए हैं NSDL जैसे, वो सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और हमारा जो अभियान है वो एक जन निवेश अभियान है। किस तरह से वित्तीय साक्षरता भारत के जन जन के साथ पास पहुंच सके, छोटी छोटी गांवों में, छोटे छोटे शहरों तक पहुंच सके और लोगों में ये जागरूकता जगे, किस तरह से वो अपना पैसा बचाए, किस तरह से कहां उन्हें पैसा लगाना चाहिए, कौन सी अच्छी सरकारी योजनाएं हैं जिनका वो फ़ायदा उठा सके, किस तरह से कई लोग जो उन्हें बहका देते हैं, बहला देते हैं और गलत स्कीम्स में उनका पैसा लग जाता है, उससे बचा जा सके और परिवार की सुरक्षा, परिवार की समृद्धता एक लंबे समय में, लंबी अवधि में किस तरह से करी जा सके, ये हमारा अभियान है। CFA सोसाइटी में हमें हमेशा हमारा एक मिशन रहा है कि जो फाइनेंस है, जो वित्त क्षेत्र है, वो अल्टीमेटली उनका मुख्य जो कारण है फाइनेंस क्षेत्र का, वो है समाज का पूरा भला करना। और जब देश एक आगे बढ़ रहा है $5 trillion इकोनॉमी की तरफ, जब एक बड़ी अर्थव्यवस्था में एक छलांग लगाना चाह रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि करोड़ों भारतवासी उन सब में अपना योगदान दे सके और उस सब में प्रगति के अंदर भागीदार बन सके। हमारे कई जो सदस्य हैं, राजेंद्र जी बता सकते हैं, वो तो खुद साइकिल चलाने वाले हैं, श्रीनिवास जी खुद साइकिल पर जाने वाले हैं, हम लोग यहाँ से जुड़ेंगे, किशोर जी भी साइकिल पर जाने वाले हैं, कई जो हमारे हैं प्रमोद जी हैं इंदौर में और बहुत सारे लोग हैं। एक जो ग्रुप है हमारा वो गुरुग्राम से निकलेगा और गुरुग्राम होते हुए बहरोड होते हुए फिर वहाँ से वो जयपुर, किशनगढ़, ब्यावर, पाली, फिर वो एक सिरोही डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर है, फिर आगे सिद्धपुर, महसाना, अहमदाबाद और आगे होते हुए जाएंगे। इसी तरह मुंबई से, लोनावला से आगे होते हुए वहाँ पहुँचेंगे और 29 तारीख को इंदौर में, जिसे हम ग्रैंड फिनाले कहें, सब जने जाकर वहाँ एकत्रित होंगे। और इस दौरान ये सिर्फ साइकिल चलाना ही नहीं है, जैसा मैंने बोला, साइकिल चलाने से एक पर्यावरण के बारे में भी जानकारी है, एक स्वस्थता के बारे में भी जानकारी है कि अगर स्वस्थ भारत होगा तो समृद्ध भारत होगा, वो भी एक जानकारी बढ़ेगी। और वहाँ जाकर के लोगों के साथ अपने वो अपने अनुभव शेयर करेंगे, ये जागरूकता बढ़ाएंगे और आप लोगों का उसमें एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और ये योगदान कि हम तो ये कुछ ही गांवों, कुछ ही शहरों में पहुंच पाएंगे, लेकिन आपके जरिए से 125 करोड़ लोगों तक ये संदेश पहुंच पाएगा कि $5 trillion इकोनॉमी अगर अर्थव्यवस्था हम बन रहे हैं, अगर हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति जिस तरह से होगी, उसमें कैसे जन जन भागीदार बन सके, कैसे कैसे जन जन का उसमें भला हो सके, पूरे समाज का उसमें भला हो सके, तो ये हमारा CFA सोसाइटी का और हमारे जितने भी संस्थान साथ में जुड़े हुए हैं उन सब का ये एक अभियान है। वर्तमान दौर में जो PMC जैसी घटनाएं हुई हैं और कई कंपनी ज्वेलर्स के, ऐसे दौर में क्या लगता है आपका, कितना सफल होगा, कितना जरूरी हो गया ये अभियान? बिल्कुल, बहुत जरूरी हो गया और ये जो घटनाएं आप बता रहे हैं उसकी वजह से ये जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। आज कई लोग होते हैं भारत में, बचत की तो हमारे खून के अंदर ही है, हमारी संस्कृति में है कि अगर हम 100 रुपये पे कमाएं तो 10 या 20 रुपए कैसे भी बचाएंगे अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, लेकिन उस 10 और 20 रुपए को हम कहाँ रखें? जब हम कोई अगर लेन देन कर रहे हैं किसी दूसरे से, अगर हम उस पैसे को आगे के लिए रखना चाह रहे हैं तो उसको कौन सी योजनाओं में रखें और कौन सी योजनाओं में नहीं रखें, किस तरह से हम ये सोचें और समझें कि यहाँ हमारा पैसा सुरक्षित है और यहाँ हमारा पैसा सुरक्षित नहीं है, वही जानकारी हमारे सब सदस्य जो एक साइकिल के द्वारा निकल रहे हैं और गांव-गांव में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, वही जागरूकता हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और आपने बिल्कुल सही बोला, ये जो समय है इसमें तो उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसीलिए CFA सोसाइटी और हमारे सब जो संस्थान साथ में जुड़े हैं उनका यही एक अभियान है। जैसे एक चीज़ और बोलूँ, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि किसी किसी बैंकों में ये हो रहा है, वही हिसाब से मान लीजिए कोई और बैंक के अलावा कुछ छोटी कंपनियाँ थी, कोई ज्वेलरी कंपनियाँ थी, उन्होंने अपनी कुछ स्कीम बनाते हैं बहुत बार, जिसमें भी लोगों को निवेश करने के लिए वो लोग ऑफर देते हैं। तो ये जो CFA सोसाइटी इंडिया का अवेयरनेस के थ्रू हम ये भी कहना चाहेंगे कि कैसे संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहिए, ऐसे जो संस्था हो जिसके ऊपर रेगुलेटर, मान लीजिए कि SEBI है, RBI है, जिसका स्ट्रॉन्ग ओवरसाइट रहता है, ऐसे संस्था से जुड़े जिसके ऊपर रेगुलेटरी ओवरसाइट रहे और वो टाइप के स्कीम में ही निवेश करने का आप प्रयास करें जिसमें रेगुलेटर भी एक ओवरसाइट रखे, ना कि आप आपके रिलेटेड बहुत जन आपको बताएंगे कि भाई ये हमारी एक संस्था है या ये हमारी एक निवेश के लिए कोई स्कीम है, आप इसमें इन्वेस्ट करिए। तो बेसिक क्वेश्चन कि भाई वेदर वो पर्टिकुलर रेगुलेटर के अंडर में आता है नहीं आता है, उसका कैसे ओवरसाइट होगा, उसको कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट एनालाइज कर सके,
जिससे कि हमारा उसमें जो धन निवेश किया है वो सेफ रह सके. तो वो एक बहुत ही बड़ा ये पर्टिकुलर जन निवेश अभियान का मतलब प्रयास रहेगा. सर, दो दो चीज़ें मुद्दा बहुत ज़रूरी है. सिर्फ ये नहीं कि निवेशक को और आम नागरिक को क्या जानना चाहिए कि कहाँ निवेश करें, किस तरह की जागरूकता उनमें हो, किस तरह की जागरूकता हम उनको दे पाए. इससे ज़्यादा और ज़रूरी बात यह है कि किस चीज़ को हमें, किन चीज़ों से हमें दूर रहना है, किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है, क्या करना है से ज्यादा जरूरी है क्या ना करना है. और उस बारे में बहुत कम बातें हो पाती हैं. कई बार सभी लोग ये बातें तो जरूर करते हैं कि ये करना चाहिए या ये नहीं, ये करना चाहिए, यहाँ निवेश करें, इस तरह की जागरूकता समझें, इस चीज के बारे में जानें, ये प्रयास करें. लेकिन जिन चीजों को अवॉइड करना चाहिए उनके बारे में आम तक कई बार बातें कम होती, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसकी जागरूकता देना अनिवार्य है. सर, एक प्रश्न आपसे पूछना है. हाँ सर. आपने जन निवेश अभियान की शुरुआत तो कर दी है. सर, आज के डेट में पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जो गरीब वर्ग के तबके के लोग हैं उन्हें निवेश के बारे में तो आप जानकर दे रहे कि निवेश उनकी जो रोजगार जो रोज मिलता है उन्हें वो तो अपने घर के पालन पोषण तक के लिए भी सीमित नहीं रह पाते. जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग मापदंड रखा गया, जो स्वयं रोजगार योजना के तहत लोगों को काम भी कराया गया लेकिन उन्हें पेमेंट के द्वारा चला गया या कुछ अलग अलग, तो किस तरह से वो अपने आपके निवेश के साथ जुड़ सकते. हमारा जो अभियान है वो वित्तीय साक्षरता का है. अभी वो रोजगार और वो दूसरी बातें हैं. और वित्तीय साक्षरता में भी कई तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं उनका कैसे वो फ़ायदा उठा सकते हैं. छोटी से ऐसे सुकन्या समृद्धि योजना है कि अगर कोई परिवार में कन्या है उसके लिए अगर आप निवेश करते हैं तो उसमें से आपको थोड़ा सा रिटर्न ज़्यादा मिलता है. दूसरी जो सरकार की योजनाएं हैं या दूसरे जो निवेश के माध्यम हैं उनसे इस सबको अवेयरनेस क्रिएट करना और इस तरह से लोगों को बताना कि सही बचत की आपकी आदतें क्या है. आपने सही बोला, कई लोग ऐसे हैं जो शायद उनके पास बचत की क्षमता भी नहीं है. पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहेगी. जिस तरह से अर्थव्यवस्था आज बढ़ेगी, आज हम 2.5-3 trillion dollars हैं, जब हम 5 trillion dollars की अर्थव्यवस्था बनेगी उसके बाद और बढ़ेगी, देश की प्रगति होगी. तो आज जो भी व्यक्ति आज कम कमा रहा है उससे कुछ ज़्यादा ही कमाएगा कुछ वर्षों बाद. लेकिन जब वो ज़्यादा कमाए उस धन को कैसे संचय करें, उस धन को वो कैसे वृद्धि करें लंबे समय में जाकर, इसकी साक्षरता सब जगह गांव-गांव जन-जन तक पहुंचानी है. पर बहुत सारी चीज़ें हैं देश में, 125 crore लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं. हमारा जो एक CFA सोसाइटी का और जो दूसरे संस्थान जुड़े हुए हैं उन लोगों का मेन उद्देश्य है वित्तीय साक्षरता बढ़ाना. सर, आप लोगों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें हैं उनके लिए या वो किस तरीके की जानकारी आप लोग तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल. सो हमारे कई तरह के जो हमारे साथी हैं वो साथ में चलेंगे. वो एक वीडियो के जरिए, प्रेजेंटेशंस के जरिए, बातचीत के जरिए, उनकी भाषा में उनके हिसाब से उनको समझाने की कोशिश करेंगे. और जिस तरह के लोग आ रहे हैं उस गांव में, उस शहर में, कि जिनकी जिस तरह की ज़रूरत है उसी तरह से उनको समझाया जाएगा. कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो शायद आज की स्थिति में भी पूंजी बाजार में लगा सकते हैं. कुछ ऐसे निवेशक होंगे जिनकी बचत बहुत कम है लेकिन उनको शायद प्रोटेक्शन की या बीमा की ज़्यादा ज़रूरत है. कुछ ऐसे निवेशक होंगे जो पहले से ही बाजार में निवेश कर रहे हैं लेकिन सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस तरह से वो सही कर रहे हैं. और जैसा पहले मेरे साथी ने बताया, अनिल जी ने, कि क्या चीज़ नहीं करनी है उसको भी समझाना बहुत ज़रूरी है. किशोर भाई जो बता रहे थे, कई बार ऐसी गलतियां हो जाती है जिसका हमें बहुत परिणाम, एक दुष्परिणाम जिसके हो जाते हैं. कुछ घटनाएं ऐसी जो पिछले कुछ महीनों में हुई है उनसे कैसा बचा जा सके वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इस समय में कितना कठिन होगा लोगों को समझाना? नहीं, हो सकता है शायद आसान हो थोड़ा सा, क्योंकि लोगों ने ये स्थिति देखी है और एक देश में माहौल बन रहा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाली है, प्रगति बढ़ने वाली है, हर आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की एक आकांक्षा है.
लेकिन अपना पैसा किस तरह से बचाया जा सके, अपने पैसे को किस तरह से सुरक्षित रखा जा सके, अपने भविष्य को एक वित्तीय दृष्टि से कैसे सुरक्षा दी जा सके, अपने परिवार के लिए क्या किया जा सके, हर व्यक्ति को उसकी जागरूकता बढ़ानी, और चाहे छोटे उम्र के लोग भी हो चाहे वृद्ध लोग भी हो, कि वो अपनी जो रिटायरमेंट है उसके लिए क्या कर सकते हैं, और जो आज बच्चे जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो भी जब पैसा कमाना चालू करें तो वो किस तरह से अपनी शुरुआत कर सके। तो हम हर तबके को, समाज के हर वर्ग को ध्यान में रख कर के हमारा CFA सोसाइटी का जो अभियान चालू हुआ है सभी संस्थानों के साथ में, NSDL जैसे संस्थानों के साथ में, उसमें हमारा वो प्रयास रहेगा। इसमें दो और चीज़ें हैं जो मैं हम लोग करने वाले हैं। एक है नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी हम लोग ये जो रास्ता है पूरा उसमें हम लोग जन जागृति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अर्थ के बारे में बताने, पैसे के बारे में बताने वाले। और दूसरी चीज़ हम लोग ने ये प्रयास की है कि जो जो कॉन्फ्रेंसेस होने वाले हैं वो सारे कॉन्फ्रेंसेस जब होंगे तभी प्रादेशिक भाषा जो है उधर की रीजनल लैंग्वेज उसका स्पीकर वहाँ पे मौजूद हो, मतलब वो उस लैंग्वेज में उनको समझा सकता है कि जैसे नासिक या महाराष्ट्र के एंड तक मराठी स्पीकर्स होंगे, उसके आगे गुजरात में जब जाएगा तभी गुजराती स्पीकर्स होंगे, और आगे हिंदी के, हिंदी में बात करने वाले लोग भी होंगे। तो इन दोनों चीज़ों के माध्यम से भी नुक्कड़ नाटक से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं और उनको ये पता चल सकता है कि क्या चीज़ें होती है और कैसी गलत चीज़ें फैलाई जाती है, और उसके बाद में हम लोग उनको ये बताने की प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो ये दो और चीज़ें हैं जो हम लोग पूरे साइक्लोथॉन के दौर में करने वाले हैं। और हर एक प्रोग्राम में हम लोग गवर्नमेंट स्कीम का जिक्र करेंगे। 8 गवर्नमेंट स्कीम्स ऐसी है कि जिसमें उसका दाम जो होता है बहुत ही कम होता है, 1 रुपया आपके अकाउंट से हर एक दिन को जाता है, तो उस 1 रुपये के बदले में आपको 2.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस मिलता है। इसमें तो गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। तो ये जो 8 गवर्नमेंट स्कीम्स है, हम लोग हमारे जो प्रोग्रामिंग रहेगी उस प्रोग्रामिंग में उसका जिक्र करेंगे। थैंक यू।